सहारनपुर के बीजेपी सांसद राघव लखनपाल और उनके समर्थकों ने एसएसपी के घर में घुसकर किया हंगामा। प्रशासन से इजाजत न मिलने के बावजूद निकालना चाहते थे जुलूस, दो गुट भिड़े। सहारनपुर जिले में आंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। 5 साल से शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। एक पक्ष ने पुलिस पर भी किया पथराव, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। आज बुंदेलखंड के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों के विकास के कामों की समीक्षा की। बुंदेलखंड के झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, यूपी में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, सभी लोगों का होगा इलाज। झांसी में योगी ने कई जगहों का औचक निरीक्षण किया। झांसी में अस्पताल के बाद सरकारी मंडी पहुंचे, एक प्राइमरी स्कूल में जाकर बच्चों से जाना मिड डे मील का हाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को अपने काम का तरीका बदलने को कहा। बोले, पुलिस ऐसी हो कि जनता सुरक्षित महसूस करे और अपराधी डरा हुआ। योगी सरकार में वक्फ बोर्ड मंत्री ने फिर किया वक्फ बोर्ड दफ्तर का औचक निरीक्षण, दफ्तर में ताले लगे हुए मिले, बिना छुट्टी लिए दफ्तर से गायब दिखे अधिकारी। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से प्रवर्तन निदेशालय में चल रही है पूछताछ। पूछताछ के सवाल पर वीरभद्र बोले, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी वाईपी त्यागी के नोएडा में घर पर इनकम टैक्स का छापा। त्यागी 2007 से 2012 तक मायावती सरकार के समय ओएसडी थे। त्यागी के हरिद्वार और गोवा में है 2 होटल। उत्तर प्रदेश के राजकीय निर्माण निगम के एडिशनल जनरल मैनेजर शिव आश्रय शर्मा के घर देहरादून में छापे से बड़ा खुलासा, इंजीनियर की 600 करोड़ की संपत्ति का पता चला। इटावा में एसपी नेता मुलायम सिंह यादव की कोठी पर बिजली विभाग ने बदला मीटर, 5 किलोवाट के पुराने मीटर की जगह लगाया 40 किलोवाट का नया मीटर। गाजियाबाद में बिजली घर की जमीन पर मंदिर बनाने का काम अभी भी जारी, योगी की हिंदू युवा वाहिनी बना रही है मंदिर। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर से भी डरा धमका कर ले लिए 10,000 रुपए। काम निकलवाने के लिए जज बनकर फोन करने वाला तौफीक अहमद नाम का शख्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में। कानून की पढ़ाई कर रहे तौफीक ने यूपी के सीएम योगी के दफ्तर में भी फोन किया था, पुलिस को पहले भी मिल चुकी है शिकायतें। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए एबीपी न्यूज के सर्वे में बीजेपी को बहुमत का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 272 में से 179 सीटें, आपको 45 और कांग्रेस को 26 सीटें मिल सकती हैं। एमसीडी के लिए पार्टी के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी ने खुद को दिया बहुमत, 272 में से 218 सीटें जीतने का दावा। बीजेपी को 39, कांग्रेस को 8 सीटों का अनुमान। दिल्ली कांग्रेस में बगावत जारी, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने राहुल गांधी को जमकर कोसा, कहा राहुल से नहीं संभल रही है कांग्रेस, नहीं संभलता तो छोड़ क्यों नहीं देते राहुल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। नीतीश कह चुके हैं बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में महागठबंधन के लिए कांग्रेस करे पहल। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने लालू के मंत्री बेटे तेज प्रताप यादव के पास अवैध जमीन का आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, 29 और 30 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में रहेंगे, पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक सरकारी कार्यक्रम के देरी से शुरू होने पर अधिकारियों से नाराज हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह, 12 मिनट की देरी पर बोले मंत्रियों की हां में हां ना मिलाएं बल्कि वक्त पर काम करें। सीबीएसई ने स्कूलों को दिए सख्त निर्देश, कहा कॉपी किताब और वर्दी बेचना कानून का उल्लंघन, स्कूलों को एडवाइजरी जारी की। दिल्ली यूपी सहित 6 राज्यों की पुलिस टीम ने एक साझा ऑपरेशन में 9 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया, देश में बड़े आतंकी हमले की खतरनाक योजना बना रहे थे ये आतंकी। पत्थरबाज को जीप के बोनट पर बांधने के मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, 15 मई तक पूरी घटना की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।